तो चलिए बात करते हैं रीट महापरीक्षा की। रीट परीक्षा का दूसरा दिन आज है। राज्य के 1370 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन, तो वही जयपुर में 219 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है। दो पारियों में रीट परीक्षा से एक घंटे पहले अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया, तो वही कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षा हो रही है। नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल जिस तरीके से कुछ मुन्ना भाई पकड़े गए, तो ऐसे में आज सख्ती और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्य सचिव कमेटी को बिल्कुल फ्री हैंड दिया है कि सख्ती से नजर बनाए रखी जाए और साथ ही स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए और नकल विरोधी कानून भी लागू होगा अगर कोई नकल जैसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। अभी तस्वीरें भी जरा आप देखिए, सेंटर्स की ये तस्वीरें हैं जहां पर डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं और जो गाइडलाइन निर्धारित की गई उसी के अनुसार प्रवेश भी दिया जा रहा है। पहले ही रीट परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि आप फुल आस्तीन के कपड़े नहीं पहन के आएंगे, उसके बावजूद भी कुछ अभ्यर्थी परीक्षा देने जब पहुंचते हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर पहुंचते हैं। फिर उसके बाद ऐसी तस्वीर भी सामने आती है जब स्लीव्स कट करनी पड़ती है। वैसे में दो पारियों में आज रीट परीक्षा का आयोजन। जालौर में आज दूसरे दिन 16 परीक्षा केंद्रों पर रीट की परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षार्थियों को पूरी जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। जालौर अति संवेदनशील होने से आज दूसरे दिन भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है। 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है। वहीं कलेक्टर निशांत जे ने एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल लाभ तो वहीं प्रभारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। परीक्षा केंद्रों का जायजा लेकर परीक्षार्थियों से खास बातचीत की संवाददाता लूणा राम दर्जी ने। जालौर में आज दूसरे दिन भी 16 परीक्षा केंद्रों पर रीट की परीक्षा हो रही है। अभ्यर्थियों को पूरी तरह जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिस जाब्ता तैनात है और पुलिस कर्मी जो जांच के लिए तैनात किए गए हैं, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो पूरी तरह जांच के बाद अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश दे रहे हैं। अभ्यर्थियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो ड्यूटी पे तैनात है पुलिसकर्मी उनसे भी बातचीत करेंगे। तैयारी कैसी है मैडम? अच्छी है। कैसी तैयारी परीक्षा की करके आए हैं और आत्मविश्वास कितना है? बिल्कुल पूरा। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कैसी परीक्षा की तैयारी की। परीक्षा की कैसी तैयारी की है? बढ़िया है। और भी अभ्यर्थी हैं, कैसी परीक्षा की तैयारी है? बढ़िया है। और व्यवस्था कैसी है प्रशासन की? बहुत बढ़िया है। तो और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कैसी तैयारी की है इस बार परीक्षा की? बढ़िया की है। पिछली बार भी एग्जाम दिया था? नहीं दिया, पहली बार है। पहली बार है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी जो तैयारी है वो बढ़िया तैयारी की हुई है, अच्छी तैयारी करके वो पहुंचे हैं। आत्मविश्वास अभ्यर्थियों में देखने को मिल रहा है। जांच को लेकर पुलिसकर्मी जो तैनात है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार जांच चल रही है और जांच के बाद, पूरी तरह जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर पुलिसकर्मी पूरी तरह अलर्ट पर है, क्योंकि जालौर पूरे प्रदेश में हमेशा अति संवेदनशील रहा है। ऐसे में पुलिस इस बार ज़्यादा सतर्कता, ज़्यादा अलर्ट दिख रही है और पूरी तरह जांच के बाद ही, ताकि नकल गिरोह पर पूरी तरह रोकथाम हो सके। पुलिस से बात करते हैं। सर, किस तरीके की जांच को लेकर प्रवेश दिया जा रहा है? कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और सेंटर पे क्या व्यवस्था है? पुलिसकर्मी 5-7 कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल लगाए गए हैं। उनके अलावा बड़े अधिकारी है, वो भी राउंड पे रहते हैं और बच्चों को अच्छी तरह से चेक करके उसके बाद में प्रवेश दिया जा रहा है। चेक में क्या क्या चेक किया जा रहा है और क्या क्या अलाउड नहीं है अंदर? इसमें घड़ी है, मोबाइल है, ब्लूटूथ है, मतलब ज़रूरी कागजात के अलावा कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है अंदर। तो ज़रूरी कागज़ के अलावा किसी भी चीज़ को अंदर ले जाने में प्रतिबंधित किया गया है। पूरी तरह जांच की जा रही है। घड़ी या अन्य कोई भी चीज़ ऐसी जो संदिग्ध लगे उसे अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा है। पूरे जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। तो पुलिस पूरी तरह अलर्ट। और अब आज दूसरा दिन है और रीट की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का जो प्रवेश है वो लगभग पूरा हो चुका है। अभ्यर्थियों में आत्मविश्वास देखने को मिला और उनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी तैयारी परीक्षा को लेकर अच्छी है। लूणा राम, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालौर।
तो वही रीट परीक्षा को लेकर ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी लूणाराम दर्जी जालोर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लूणाराम, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास, क्योंकि देखिए आपका वॉक थ्रू भी हमने देखा किस तरीके से एक एक डॉक्यूमेंट चेक करके परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, तो वही नकल कराने वाले जो गिरोह होते हैं वो सक्रिय होते, तो ऐसे में आला अधिकारी भी इसको लेकर नजर बनाए हुए हैं। पूरे प्रदेश में आयुषी देखा जाए कि जालोर अति संवेदनशील है रीट परीक्षा को लेकर। पिछली बार जब रीट पेपर आउट हुआ था उसमें जालोर का कनेक्शन सामने आया था और जालोर के 19 अपराधी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए थे। तो अपने आप में कहा जा सकता है जालोर अति संवेदनशील है। आज दूसरे दिन भी नेट बंदी है, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नेट को पूरी तरह बंद किया गया है। उसके साथ ही 16 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की जो पहली पारी है वो शुरू हो चुकी है। शुरू होने के साथ ही SP और कलेक्टर निशा जैन और SP हर्षवर्धन अग्रवाला है वो जायजा ले रहे हैं। और 9 बजे तक ये समय रखा गया था, सब परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश दिया गया, वो पूरी जांच के बाद दिया गया, पूरी गहनता से जांच की गई। और जो पुलिस का अभय कमांड सेंटर है जिसमें 100 से अधिक CCTV फुटेज के जरिए निगरानी रखी जा रही है 16 परीक्षा केंद्रों पर, सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV लगाए गए हैं कैमरे। और उसके साथ ही लगातार SP और कलेक्टर गंभीरता के साथ लगातार जायजा ले रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में हमेशा कोई भी पेपर या परीक्षा हो रही हो उसको जालोर से जोड़कर देखा जाता है कि जालोर में परीक्षा को लेकर क्या तैयारियां है। तो अपने आप में जब पहला कल का जो पहला दिन था वो सफलता के साथ बीता, क्योंकि एक भी कोई नकल की घटना सामने आई नहीं आई, इसलिए पुलिस के लिए कल का दिन काफ़ी राहत भरा रहा। तो आज का दिन शुरू हो चुका है, परीक्षा की जो पहली पारी है वो शुरू हो चुकी है और पुलिस पूरी अलर्ट पर है। नकल रोकथाम को लेकर बात करें, पेपर आउट को लेकर बात करें, तमाम पर लगातार पुलिस का फोकस है ताकि शांतिपूर्ण परीक्षा हो सके। कल शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई, आज की परीक्षा शुरू होने के साथ ही पुलिस का देखा जाए कि जिला मुख्यालय पर 16 जो परीक्षा केंद्र है वहां पर छप्पे छप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। लगातार SDM की बात करें, जिला परिषद के CEO की बात करें, तमाम अधिकारियों को इसमें लगाया गया है और 100 से अधिक CCTV फुटेज के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जी आयुषी, बिल्कुल कैमरे की निगाहों से भी निगरानी की जा रही है, तो वहीं आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटा रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी का प्रयास यही है कि पिछली बार जिस तरीके से कई सवाल रीट को लेकर उठे थे, इस बार ऐसा कोई सवाल ना उठे और शांतिपूर्ण तरीके से ये परीक्षा संपन्न हो। बहुत बहुत शुक्रिया लूणाराम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो रीट की परीक्षा और आज दूसरे दिन भी रीट की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कल कुछ स्थानों पर मुन्ना भाई पकड़े गए थे, यही वजह कि आज सख्ती और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है।